नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शेयर मार्केट में करीब 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। ये सबको अच्छे से ट्रैक करने के लिए मार्केट कैप के मुताबिक 3 टाइप्स के कैप्ड मार्केट्स बनाए गए हैं, जो आते हैं पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप में 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी शामिल होती है। मिड कैप में 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ वाली कंपनी शामिल होती है और स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ से नीचे वाली जो कंपनीज होती है वो शामिल होती है। तो दोस्तों, अभी आपने 3 तरह के मार्केट कैप सीखा। अभी देखेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। दोस्तों, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही रहती है, जिसका 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होगा, इसी स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा वो फंड में। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। अभी देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं होते जितने स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क रहता है। और लार्ज कैप्स में लिक्विडिटी की चिंता नहीं होती, यानी अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स नहीं लगते, वोलेटिलिटी नहीं होती है। आपको डिसेंट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देते हैं लार्ज कैप फंड्स। अभी देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ही महंगे होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जैसे 100% 200% रिटर्न एक साल में नहीं मिलते हैं। लार्ज कैप में आपको कंसिस्टेंटली और स्टेडी ग्रोथ देखने मिलती है। दोस्तों, अभी देखते हैं कि क्या आपको डायरेक्टली लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया, लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपको रिलायंस का एक शेयर भी खरीदना हो तो आपको करीब 2,000 रुपये चाहिए। पर दोस्तों, आपको 4 से 5 लार्ज कैप स्टॉक्स पसंद आते हैं और सबके एक शेयर भी लेने जाओ तो लगभग 10,000 रुपये चाहिए होंगे। ये चिंता दूर करता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स में टॉप लार्ज कंपनी शामिल होती है और इसमें आपको चाहे तो 500 रुपये मिनिमम लगा सकते हो या चाहे तो लमसम में कितना भी पैसे लगा सकते हो ये म्यूचुअल फंड्स में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास वो फंड के द्वारा एक लार्ज कैप की बहुत कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में 10 स्टॉक्स शामिल है। अगर 3 स्टॉक्स नीचे होते हैं तो 7 स्टॉक उठ जाते हैं, तो आपको वो फंड का रिटर्न उस दिन पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही रहेगा अगर फंड्स की और आपको फंड्स ट्रैक करने की दिक्कत आ रही है तो। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको कंसिस्टेंटली एवरेज रिटर्न्स चाहिए तो आपको बिल्कुल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम देखते हैं टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला, एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये फंड बहुत ही अच्छा है, इसने कंसिस्टेंटली 17% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। दूसरा आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड में लास्ट 5 ईयर्स में 16% CAGR के रिटर्न्स दिया है। तीसरा आता है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। ये फंड ने कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 सालों में। तो दोस्तों, आप इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल समझना है तो माय इक्विटी स्कूल ने 16 टाइप्स के न्यू कोर्सेस डिजाइन किया है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप ये कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माय इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।